الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات मजलिस हमारे सिलसिले की चौथी मजलिस है। सिलसिले का उन्वान इंसानी माशरे पर अंबियाए इलाही का असर, और जो आयत मैंने इंतखाब की वो सूरह आले इमरान की 144वीं आयत वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। बात यहां से शुरू हुई थी, मैं थोड़ा सा खुलासा तीन मजालिस का कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात यहां से शुरू हुई थी कि ये यकीनन मोहम्मद सिर्फ रसूल हैं और उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम पलट जाओगे, हक से लौट जाओगे, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकेगा, और अल्लाह करीब ही में वो लोग जो शुक्र करते हैं हिदायत पर बाकी रहते हैं उनको जजा देगा। तो रसूल का जो पयाम है वो इंसानियत के लिए है, चाहे रसूल जिंदा रहे या रसूल मर जाए या मारा जाए। इन तीनों हालत में फर्क करना अल्लाह को कबूल नहीं है। लेकिन किस इंसान को हिदायत दी जा रही थी मैंने उसके बारे में खुलासा किया था कि इंसान को फितरतन तौहीद पर तल किया गया है, फितरत से ऊपर ले जाने के लिए रसूलों की जरूरत पड़ी। तौहीद की फितरत पे तल किया हुआ इंसान फितरत लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा, अल्लाह ने अपनी फितरत पर अपनी रविश पर इंसान को खल किया, अपनी रूह उसमें फूकी, अपने आप को खिलकते इंसान के बाद तबारक अल्लाहु अहसनु खालिकीन कहा, इब्तिदा में फरिश्तों को सजदा कराया, उसके बाद अपने खलीफा को दुनिया में रवाना करते हुए हिदायत कबूल करने का वादा लेकर रवाना करता है। ये खुलासा था जिस पर हमने आगे काम किया दूसरी और तीसरी मजलिस में। उसमें हमने ये बयान किया कि जब इतना आला इंसान जिसमें खुदा की रूह हो, जो अल्लाह की फितरत पर खल्क किया गया हो, उसको हिदायत देने के लिए वो रसूल कैसा होगा, वो रसूल कैसे होंगे कि जो इस इंसान को लेकर आगे बढ़ते होंगे। साथ में ये भी हमने दूसरी और तीसरी मजलिस में बयान करने की कोशिश की थी कि रसूल हुज्जत है हम पर, तमाम के तमाम अंबिया हुज्जत हैं हम पर, और उसके लिए कुरान की वो आयत के अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ रसूल कह दो कि मैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैं तुम्हारे जैसा ही बशर हूं, फकत ये कि मुझ पर वही की जाती है। तो ईमान के मामले में, किताब के मामले में रसूल को हमको बराबर का रखा गया है। कुरान की और एक
पढ़ी थी जहां पर कि तुम क्या जानते थे ईमान क्या है और किताब क्या है, ये सब इसी उन्वान से है कि लोगों के पास कुरान के वाले आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के सामने कोई बहाना हुज्जत बाकी न रहे ये कहते हुए कि ये रसूल तो बिल्कुल अलग ही थे, उनकी फिलकत अलग हुई, उनके पास दलीलें मुख्तलिफ थी, इन्होंने हम जैसी जिंदगी गुजारी कहां, रोज के आटे का चावल का भाव उन्हें बता ही कहां था, उनको तो तूने एक अलग दुनिया में बनाकर हमारे लिए भेजा, तो जे निस्बत आगरा में आलम पाक हम उनकी पैरवी कैसे करते, हम उनकी तारीफ के लिए बने हैं, हम उनकी पैरवी के लिए नहीं बने हैं। तो जहां जहां पर मौका रहा वहां पर अल्लाह ने बताया कि देखो ये तुम्हारे लिए हुज्जत है, और जब मैं हुज्जत बना रहा हूं तो दोनों को साथ साथ रखकर हुज्जत बना रहा हूं। कुरान की कई आयतें हमने कल और परसों जिक्र की, कल की जो आयत जो मखसूस थी वो ये था जो उस्मान इब्ने मज़ऊन का वाकया था कि जिसको हजरत अली 35 साल बाद लगभग 40 साल बाद अपना भाई कहकर दीनी भाई कहकर याद करते हैं, उनके इंतकाल पर जब रसूल जाते हैं और उनकी ज़ौजा कहती है कि आप इनके लिए आए तो ये यकीनन जन्नती हैं, कुरान की आयत आती है और कहती है रसूल कह दो इनसे कि मैं रसूलों में कोई नई बात करने वाला नहीं हूं, ये सब पुरानी बातों में से एक बात है, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा, सलवात मेरे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आयत है कल्ला इन इंसान लयगा, यकीनन इंसान सरकशी कर बैठता है जब अपने आप को मुस्तगनी पाता है, बेनियाज पाता है। सूरह अलक की आयत छठी आयत इब्तदाई सूरों में से, इंसान की इबादत की बुनियाद ही यह है कि इंसान अपने आप को मोहताज पाए, चाहे वो रसूल हो या गैर रसूल, एहतियाज मजबूरी कमजोरी कामिल अपने आप को एक बुलबुला समझना यह कैफियत इबादी है हर इंसान के लिए, चाहे वो रसूल हो या गैर रसूल। जब वो कैफियत नियाज की महसूस होती है तभी सजदा करता है, जैसे एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ नियाज नहीं है। रिवायत में मिलता है माता का राजो इब्ने आदम कत्तो लौला सलात, इब्ने आदम का इंसान का सर कभी अल्लाह के सामने न झुकता अगर तीन चीजें न होती, मौत, बीमारी और पावर। अगर ये तीन चीजें अल्लाह नहीं रखता तो इंसान बनी आदम अल्लाह के सामने सर झुकाता नहीं था, ना इसको मौत से फरार है, ना इसको भूख से फरार है, ना इसको बीमारी से फरार है, लेकिन कभी कभी जब दुनिया मिल जाती है तो इंसान को एहसास इस्तगना होता है, बेनियाजी का एहसास होता है। ये इब्तदाए बेनियाजी फिरौनों की तश्कील का सबब है। फिरौन रोजे अव्वल फिरौन नहीं बनता, हल्के हल्के आदमी अपने आप को जब बेनियाज महसूस करने लगता है तब जाकर वो फिरौनियत की शक्ल इख्तियार करता है। अब आइए कि जब हमको तो रोटी की बीमारी की मौत की फिक्र है, मरेंगे तो क्या होगा, डर गए, भूखे रह जाएंगे, पॉवर्टी में मुब्तला हो जाएंगे तो क्या होगा, डर गए, बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, डर गए, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाएगी तो क्या होगा, डर गए। लेकिन वो कि जो अपनी तमाम हयात को और वजूद को उसके सबब चलता हुआ बाकी देख रहे हो, तवज्जो का मोहताज हो, जितना ज्यादा ईमान होगा उतनी ज्यादा अल्लाह का एहसास होगा, जितना अल्लाह का एहसास होगा अल्लाह की तरफ से आने वाली नेमतों का एहसास होगा। जब शिद्दत से नेमतों का तसव्वुर इंसान के जहन पर छा जाए
को अपनी बेनियाजी को दोनों को अलग अलग समझेगा, बेनियाजी का तसव्वुर मिट जाएगा, एहतियात का तसव्वुर, जरूरत का तसव्वुर, बॉन्ड का तसव्वुर इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद सिवाय खुदा के कुछ और नजर नहीं आएगा, उसकी अदा रहेगी, इसको मिलती रहेगी, वो फकत शुक्र करता रहेगा और उसको अदा दी जाएगी। कहीं पर सवाल इबादत में मैं कुछ हूंगा नहीं आएगा, नतीजे में सिफर होकर अल्लाह की इबादत करेगा। जब आदमी अपने आप को एक परसेंटेज दे लेता है, उतनी परसेंटेज से उसकी इबादत कम हो जाती है। अपने आप को 50% वैल्यू करेगा, इबादत 50% कर पाएगा। अपने आप को 10% वैल्यू करेगा, 90% इबादत कर पाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है, जब अपने आप को जीरो समझेगा, जब अपने आप को जीरो समझेगा, अली जैसी इबादत शुरू कर देगा। दरबार देखिए बरबार हमारी हैसियत क्या है, बुलंदी जो मैंने इंतजार में जिक्र की पूरी उसकी दी हुई नफक तो की है मेरे पूरी। हमने अपनी फितरत पर इंसान को हल किया, करम ना बनी आदम, ये पूरी की पूरी इज्जत उसकी दी हुई है। कुरान की आयत जो लिल्लाही इज्जतु जमीया, गलती से अपने आप को इज्जतदार ना कहना, गलती से अपने आप को इज्जतदार ना कहना, अगर कहना भी तो ये कहना कि तमाम इज्जत अल्लाह के पास है, उसने मुझे इज्जत बख्शी। किसी रसूल को, किसी इमाम को कभी ये अंदाजा या एक तसव्वुर भी नहीं आया कि हमारी इज्जत हमको कहीं और से मिल रही हो। जिस दिन ये एहसास हो जाता था, अल्लाह की नहीं लोगों की बात करते थे। जब हम अल्लाह से हट के लोगों से इज्जत लेने की आदत कर लेते हैं, तो कभी कभी इस मिंबर से भी हम वही बोलने लगते हैं जो लोग चाहते हैं। रसूल क्यों नहीं लोगों की बात करते, रसूल क्यों अल्लाह की बात करते थे? रसूल अल्लाह की बात इसलिए करते थे कि रसूल को अल्लाह के अलावा कोई और चीज काबिले हैसियत अल्लाह के अलावा नजर नहीं आती। जो जो मोमिन दिखता उसमें अल्लाह की हिदायत नजर आती, जो जो काफिर दिखता उससे वो महरूमियत हिदायत उसके ही सबब नजर आती। क्योंकि कुरान की आयत है, हम सिवाय फासिकीन के किसी को गुमराह नहीं करते, गुनाहगारों के अलावा हम किसी को गुमराह नहीं करते। तो अल्लाह से हटकर को भी कुछ देखते ही कहते मौला फरमाते हैं कि मैं कोई चीज को नहीं देखता मगर उसके आगे, उसके पीछे और उसके साथ अल्लाह को देखता हूं। ये इबादतों का तसव्वुर है। जब इतना जब जीरो कर लेते हैं तो रसूल, ए रसूल आप जब अपने आप को इतना जीरो कर लेते हैं तो आयत पुरानी आती है, कहती है वक्फ जनाह कलमा इत्तबा का मिनल मोमिनीन। अब जब तुमने अपने आप को जीरो कर लिया है रसूल, उस मोमिन के सामने, उन मोमिनीन के सामने जो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी इताअत करते हैं, अपने कांधों को झुका दो। किसी और के बस की बात है अपने मानने वालों के सामने खांधे झुकाए? दो आयतें हैं कुरान में। ये दलील है रसूल के अपनी शख्सियत को सिफर करने की। वमा यंतिकु अनिल हवा, खुद इस बात की दलील है कि हवा है ही नहीं। जब रसूल ने अपने आप को ऐसा कर लिया तब रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ, कुरान आनी शुरू हुई और फिर वो मौजूदाती आयतें नजर आने लगी कि जिसके नतीजे में आज हमको हिदायत नसीब हो रही है। अब आइए देखिए कि जब तौहीद इतनी पावरफुल चीज का नाम है कि इंसान के वजूद को जो हमेशा अकड़ने के लिए आमादा है, अल्लाह को पीठ पीछे करने के लिए आमादा है, उसको ऐसे तैयार करती है जैसे किसी हीरे को निकालकर कान से पूरी तरीके से तराश कर चमका दिया गया हो। इंसान यकीनन हीरा है लेकिन अपने आप को अल्लाह के हवाले, रसूल के हवाले, इमाम के हवाले करने में मजबूर है कि उसे तराशा जाए। अल्लाह ने हमको अदब सिखाया, हम तुमको अदब सिखाते हैं। अल्लाह ने हमको इल्म दिया, हम तुमको इल्म देते हैं। हमने तो अल्लाह से जितना ले सकते थे ले लिए और तुमसे आरजू करते हैं तुम हमसे जितना ले सकते हो ले लो। सलूनी का फलान तफ्रिदूनी, पूछो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। ये इसी आरजू का मकसद था, किसी पे अपने इल्म को जताने का मकसद ही नहीं था। अली ने किसी पर कुछ जताया ही नहीं।
अली ने किसी पे कुछ जताया नहीं, जब बोलते थे, जब मुंह खोलते थे अल्लाह को सामने देखकर मुंह खोलते थे, जब मुंह बंद करते थे तो अल्लाह जब चाहता तो मुंह बंद करते थे, जब तलवार निकालते थे जब अल्लाह चाहता तो तलवार निकालते थे, जब तलवार को नियाम में रखना होता तो गर्दन में रस्सी डालकर खींचा जाता, लेकिन यहां से तलवार नहीं निकलती। अली ने अपने लिए तलवार नहीं उठाई। ये तौहीद के मौजूदे हैं तो हमारे रसूलों के, अंबिया के, आइमा के जरिए से नजर आ गया कि तौहीद इंसान को करती है तो क्या करती है। तौहीद कोई ऐसी वैसी चीज का नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी होनी चाहिए कि हम अल्लाह के हवाले अपने आप को कर सकते हैं। बताइए हम क्या चीज कर सकते हैं? एक एटम हम नहीं बना सकते, एक हमारा सेल हम नहीं बना सकते, एक सेल हमारी अगर तरीके से काम नहीं कर रही तो सुधारने का हमारे पास कोई गारंटीड तरीका नहीं है। इलाज हो सकता है, कभी एक सेल को भी कंट्रोल नहीं किया जाता। कैंसर जो डेवलप होते हैं, एक सेल का एक गलत तरीके से काम में आ जाना, बन जाना, इंसान की जिंदगी के लिए काफी है, मौत को तब्दील कर देते। हम इतने कमजोर है, गलत इंसान लईफा प्रदान किया है, इंसान को दईफ कल किया गया है। वो मां होती तो मेरा इल्म इल्ला कलीला, तुमको इल्म अगर दिया गया है तो वो भी महदूद। ये सब महदूदियतें हैं और एक रास्ता है, अकड़ो मत, बगैर अकड़े चढ़ो, उसके बाद देखो कि तुम्हारा हाल क्या होता है। इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे, कुरान कहता है अल्लाह के बंदे यमशूना अलल अर्ज़ हौना, ये जमीन पर इनके सारी के साथ हम्बलनेस के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ चलते हैं, और जब जाहिरी इनसे खिताब करते हैं तो ये सवालू सलामा, ये सलाम सलाम कहते हैं। अपने ईमान को जाहिल के मुकाबले में लाकर बराबरी का मुकाबला आया, अल्लाह के बंदे नहीं करते। उनका तरीका झुक कर चलना और खामोशी से, अगर जहालत की बात होती तो कालू सलामा, जाहिली को कहते कि तुम सलामत रहो, ये उनकी इबादतों का नतीजा है, अल्लाह की गुलामी करने का नतीजा है। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। अब आइए, अगर अल्लाह छूट जाए और शिर्क बन जाए, लोग शिर्क करना शुरू कर दें, यहां पर तो रसूल खांदे झुका रहा है अपने मानने वालों के सामने। अब शिर्क की हालत में देखिए क्या होता है, जहां शिर्क होता है वहां पर वो लोग जो बुत की सेवा में लगे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, उनका दर्जा खुद ब खुद बुलंद हो जाता है, उनका दर्जा खुद ब खुद बुलंद हो जाता है। उसके बाद वो लोग जो पैसे वाले हैं उनको दर्शन का मौका मिलता है पैसे देने के नतीजे में, जो कमजोर है उसको लाइन लगा के ठहरना पड़ता है, और उससे भी ज्यादा कमजोर जो दलित है उसको तो अंदर आने की भी इजाजत नहीं होती। ये क्या हो रहा है? यहां पर रसूल मानने वाले के सामने कांधे झुका रहा है, कोई अपने आप को अलग नहीं समझ रहा है। कुरान भी कह रहा है कि तुम्हारे जैसे बशर हैं, उनको सिवाय इसके के वही की जाती है और कोई फर्क नहीं है, इनको अपने ईमान के लिए उतनी ही कोशिश करनी पड़ती है। तो अब यहां पर हम शिर्क की दुनिया में आके देखिए कि क्या हो रहा है। खुद ब खुद तबकाती निजाम, एक कास्ट बेस सिस्टम शिर्क से वजूद में आना बे इंतहा जरूरी है, क्योंकि खुदा को कैद कर दिया गया है। उस कैद शुदा खुदा से एक ऐसी फिक्र जिसको कैद में बंद न किया गया हो मुमकिन नहीं है, जिसको कैद में बंद ना किया गया हो मुमकिन नहीं है। नतीजे में हजारों साल हो जाते हैं, निचली जात वाले आज तक मंदिरों में जाने के लिए तड़पते हैं। 2009 के एक स्टडी है जो 3-4 बड़ी सोसाइटीज ने गुजरात में की थी, तकरीबन उन्होंने 100 वहां के गांव देखे और कहते हैं कि हमने एक गांव में भी कंप्लीट अनटचेबिलिटी नहीं देखी, ऐसा कि अनटचेबिलिटी हो ही ना, ऐसा हमको एक गांव भी नहीं मिला, एक गांव भी नहीं मिला। ये कैसे हो गया? हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक हर इंसान को मंदिर में जाने का इख्तियार है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ऐसी गारंटी नहीं थी, जो रूल्स थे वो थे। आज की बात कर रहा हूं, कुछ मुद्दत पहले, साल भी नहीं हुआ, हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि इजाजत दी जाए,
दलितों को जाने, कुछ जगहों पर जहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज अव्वल जब बिलाल थे तो बिलाल को अजमत थी कई कुरैश पर, जो बिलाल सिया थे उनको कभी पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। करबला में जौन थे उनको पीछे रहने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये अजीब बात है, ये अजीब बात है कि कोई चीज, कोई फिक्र इस हद तक पाक हो कि इंसान जो फिक्र को लेकर आगे बढ़ रहा हो, जो जान दे रहा हो, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे आला हूं इसलिए कि मैं तुम तक जान दे रहा हूं, तुम्हारी फिक्र को फैला रहा हूं। उलमा को भी वो इख्तियार नहीं, कोई बुलंद नहीं है हमारे पास। आयत पुरानी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अत्ताकुम, तुम में सबसे ज्यादा नोबल साहेब करम इज्जत वो है जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह की परवाह करता है। ये एक तौहीद है जो इंसानी जहन को जोड़ रही है। तुम अल्लाह की परवाह करोगे बुलंद हो जाओगे, अगर अल्लाह की परवाह नहीं करोगे तो रसूल के बेटे क्यों ना हो। इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, तुम्हारा बेटा तुम्हारी आल से नहीं है, ये तो मुजस्समे बल आमादी है। कुरान की आयत, इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, ये करामात, ये करामात है तौहीद, ये करामात है इंसान की जिंदगी रसूल के और अली के साथ गुजरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, आयत कुरान। ऐ ईमान वालो, लब्बैक कह दो अल्लाह को और उसके रसूल को जब वो तुम्हें बुलाता है उस चीज की तरफ जो तुम्हें जिंदा कर देगी, जो तुम्हें जिंदा कर देगी। बदन की जिंदगी को कुरान जिंदगी नहीं कहता, बदन की जिंदगी को कुरान जिंदगी नहीं कहता। और एक आयत में इरशाद होता है, रसूल तू मुर्दों को सुना नहीं सकते। मुराद यह है कि जिनकी रूह, जिनका दिल जिंदा नहीं है वो मुर्दा माने। हम अपनी मादी हयात को हयात अगर समझ रहे हैं तो मादी हयात चले जाने के बाद बच क्या जाएगा, और अगर हम अपनी हयात को रूही हयात समझ रहे हैं तो मादे को कैसे इस्तेमाल करना उस पर ध्यान रहेगा। बच्चों का मौका नहीं, जब हमसे बात कर रहा हूं। अगर हम मादी हयात ही को हकीकी हयात समझेंगे तो मादी नेमतों में डूब कर रह जाएंगे। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे खाली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जमानों की तनासानी, अरबाल का शेर। तेरे भारी सोफे यूरोपियन और तेरे ईरानी कालीन, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, जवानों का हरकत और पुर हरकत ना रहना मुझे आंसू रुला। अगर इंसान ये समझ ले कि मेरी रूह मेरी हकीकत है, मेरा बदन मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं शुरू की मजलिस में कहा था कि माइंड को डिजाइन किया गया अल्लाह की इबादत के लिए और हर वो काम करने के लिए जो अल्लाह की इबादत से जुड़ा हुआ है, और अगर अल्लाह की इबादत का रुख न लिया जाए तो वो माइंड डेविल्स वर्कशॉप बन जाए। पूरी पोटेंशियल के साथ इंसान बुराई करने पर आमादा हो जाता है। अइम्मा हुदा को मानने की जगह खुद अइम्मतुल कुफ्र में या उनके मानने वालों का हिस्सा बन जाए। ये अजीब मुश्किल है। अगर हम सीधे रास्ते को नहीं अख्तियार करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा रास्ता ही हो जाता है। सीधे रास्ते पर अगर हम नहीं चलते और सही स्पीड से नहीं चलते तो हमारी दीन की साइकिल गिर जाती है। साइकिल का एक कानून है, लॉ ऑफ द बाइसाइकिल कहते हैं। साइकिल का लॉ चलने का यह है कि आप चलती रहेगी तो बैलेंस रहेगा, आप रोक दीजिए वो गिर जाएंगे। दीन का भी यही हाल है। अल्लाह के रास्ते में अगर कोई रुक जाए तो उसकी दीन की साइकिल गिर जाती, वहीं की वहीं नहीं ठहरी रहती। उसकी दीन की साइकिल वहीं का वहीं ठहरी नहीं रहती, उसकी दीन की साइकिल गिर जाती है। नतीजतन हमको हदीस में मिलता है जिसके दो दिन मसावी हो गए उसको धोखा हो गया है जिंदगी। तवज्जो का मौका,
जिसके दो दिन मुसावी हो गए, यानी एक दिन से दूसरे दिन पर इसने ईमानी तरक्की नहीं की है, तो अपने बदन का, अपनी जिंदगी का फायदा नहीं उठाया है, धोखे में रह गया है और धोखे में डालने वाला शैतान है। कितनी जिंदा, कितनी पुर हरकत, कैसा फलसफा, कैसी फिक्र हमारा दीन हमें दे रहा है, उस पर आकर कह रहा है अंतुम लगा लो ना इन तुम तुम मोमिनीन आए थे कुरान, यकीनन तुम ऊपर वाले हो, बाला दस्त हो अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम बाला दस्त हो, तुम्हारा हाथ ऊपर रहना चाहिए, बतलाइए कोई जो अल्लाह की तरफ तो पूरी तरीके से तवज्जो करे, गुरूर और तकबुर उसके पास आए ना और वो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ रुख कर बैठे और अपने दिमाग को उस तरीके से इस्तेमाल करे कि जैसे इस्तेमाल करना चाहिए और अपने बॉडी को और अपने दिमाग को आला समझे अपनी रूह की काविशों और कोशिशों के लिए, गुनाहों से इसलिए बच जाए कि गुनाह रूह के काम में आने वाले बदन को खराब करेगी, रूह के काम में आने वाले माइंड को खराब करेगी, तो खुद ब खुद क्योंकि रूह से बदन को इस्तेमाल करना है, रूह को माइंड को इस्तेमाल करना है, इसलिए माइंड में गुनाह आएगा तो रूह इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, बदन में कमजोरी होगी तो रूह इस्तेमाल कर नहीं पाएगी, तो बदन को भी सेहतमंद रखना, दिमाग को भी सेहतमंद रखना, कोई ऐसा काम न करना जिससे बदन तुम्हारा कमजोर हो जाए, कोई ऐसा गुनाह न करना जिससे तुम्हारी रूह के लिए तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाए, तो जब तुम ऐसे हो जाओगे, तुम जब ऐसे हो जाओगे तो अल्लाह कह रहा है तुम अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देना शुरू करेगा। मियां इतने सब काम करने के बाद मेरा इल्म है, मेरी रूह को दूंगा, रूह जब मेरी मेरी नहीं रही तो उसको क्या दूंगा, मंदिर है जब रूह मेरी मेरी नहीं रही, भूखा तो मैंने था उसको एहसास नहीं रहा, काफिलीन में से हो गया या शैतान वाली अबड़ आ गई, हवा वस्तकबरा होता ना मिनल काफिरीन, उसने इंकार किया और तकबूर किया और काफिरीन में से हो गया, तो तकबूर करने वाले को इल्म नहीं दिया जाएगा, अकड़ने वाले को इल्म नहीं दिया जाएगा। इल्म जिस तरीके से इबादत होती है एक खुशू और खुशू के नतीजे में आने वाली चीज का, एक छुटी हुई हालत में आने वाली चीज का नाम है, अकड़ की हालत में आने वाली चीज का नाम नहीं है। अब जब दुनिया की तरफ इंसान को बढ़ा रहा है इन सब शराइत के साथ, यहां पर शुरू होती है बहस कि आया हमें मादे से हटा दिया जा रहा है या मादे की तरफ लाया जा रहा है, तवज्जो कम होता है, आया मोमिन का जहन मादे की तरफ जाए या मादे से खींच जाए, इंपॉर्टेंट बहस है जवानों के लिए कि अल्लाह फकत ये चाहता है कि आप हर चीज से बचे रहें, रूखा सूखा खा लें और जिंदगी में मादे से जितना बच सके बचें, या नहीं फलसफे कुरान की कुछ और है, आयत का इशारा हो रहा है मन हरम दीनत अल्लाह लजी अखरज अलैहि इबादहु तय्यिबातिन मिन अर-रिज़्क़, किसने हराम कर दिया, आयत कुरानी, किसने हराम कर दिया वो जीनत की चीजें जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखी हैं और पाक रिज़्क़, किसने हराम कर दिया। मौला की एक हदीस है, फरमाते हैं बेशक अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है, वो ये पसंद करता है कि वो नेमतें जो अपने बंदे को दी हैं वो उससे जाहिर हो। अल्लाह जमील है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल व युहिब्बु अन यरा नेमतहु फी इबादिह, अपनी नेमतों का इजहार कई रिवायतों में अगर किसी को अता किया गया है तो वो अपनी दी हुई अल्लाह की नेमतों का इजहार करे, अपनी अल्लाह की दी हुई चीजों का इजहार करे,
इजहार करने का मतलब अकड़े नहीं है। मालिक जाहिर भी करना है और अकड़ना भी नहीं है, ये कैसे? इबादत करो समझ में आएगा, इबादत करो समझ में आएगा कि अल्लाह देता है तो उसको जाहिर किया कैसे जाता है, अकड़ा कैसे नहीं जाता है। तो अल्लाह की अगर हो तो अल्लाह की चीज दी हुई चीज को जाहिर भी करोगे, छिपा कर नहीं रखोगे और लोगों के सामने अपने आप को बुलंद नहीं समझोगे, इसलिए कि तुम्हारा रसूल ने ऐसे काम नहीं किया है क्योंकि वो इबादत करता था। अली ने ऐसा काम नहीं किया है क्योंकि अली इबादत करते थे। अली ने एक मरतबा अपने सहाबी से कहा कि आज मैं बात नहीं करूंगा, तुम बात करना। उन्होंने ये कहा, बोला मैं आपके सामने बात कैसे कर सकूंगा, नसीहत कैसे कर सकूंगा। जवाब था, सुनने का असर कुछ और होता है, सुनने का असर कुछ और होता है। मौला कह रहे हैं कि तुम जब बोलोगे और मैं सुनूंगा तो उसका असर कुछ और होता है। मैं चाहता हूं कि उधर से सुनकर भी कुछ सीखूं। सीखूं कैसे? अल्लाह के पास से। जब अल्लाह के पास की बात आएगी और अल्लाह का जहन मेरा उधर जाएगा तो मैं कुछ सीख लूंगा। जरूरी नहीं है कि अल्लाह की बात मतलब मुझसे ही निकले, जहां जहां से अल्लाह की बात निकलेगी मुझे फायदा होगा। तुम भी जहां जहां से अल्लाह की बात निकले तुम भी फायदा उठा लेना, चाहे मुझसे आए चाहे कहीं और से आए। ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये अली का कौन है। अजीब किस्म का इल्मी फलसफा है कि जो ईजाद हो रहा है, वो हिकमत उजागर मोमिन रसूल की हदीस है। हिकमत विजडम मोमिन की गुमशीदा चीज है, जहां कहीं भी मिले वहां से हासिल कर लो। उसको मिलना वो बिल्सी तो इल्म हासिल करो, बच्चे वो चीन जाना क्यों ना पड़े। यही फलसफा और फिक्र, यही दीन, यही रविश। हम देखते हैं कि इंसान के अंदर जो चेंज लाया गया वो इस्लाम सोसाइटी को किस हद तक बुलंद कर दिया। वाकया बगैर कॉज के नहीं था। कॉजल अब समझ में आ रहे हैं मेरे जवानों को, मैं समझता हूं क्या नहीं है कॉजल, इल्म को कैसे जानना चाहिए, अल्लाह के पास जाओ उसके बाद समझ में। अच्छा बाप कैसा बनना है, अल्लाह के पास जाओ उसके बाद समझ में। अच्छा शौहर कैसा बनना है, अल्लाह के पास जाओ उसके बाद समझ में आएगा। अच्छी बीवी कैसे बनना है, अच्छी औलाद कैसे बनना है, अल्लाह के पास जाओ फिर समझ में आएगा। हया का मफहूम समझ में आएगा, शर्म का मफहूम समझ में आएगा, गुस्सा पीने का मफहूम समझ में आएगा, वक्त देने का मफहूम समझ में आएगा। ये सब हालात में जब इंसान जहन इत्मीनान पाएगा तो क्या क्या चीजें उसको जो जाहिर नहीं है समझ में आने लगेगी, वो लॉस दिखने लगेंगे कि जो आमतौर पर नहीं दिखते। जब आकर इंसान माध्यम में वो कमालात हासिल करेगा कि जो पहले किसी को नहीं पता थी। माध्यम से मुंह मोड़ना हमारा काम नहीं है, उस माध्यम से मुंह मोड़ना है जो हमको नुकसान पहुंचाता है। जैसा बदन में हम वो चीज डालना पसंद नहीं करेंगे कि जो हमारे बदन को नुकसान दे, एहतियात करेंगे। इमाम हसन अलैहि सलाम से रिवायत है, फरमाते हैं कि हम जब खाना खाते हैं रात के वक्त तो कोशिश करते हैं कि कोई चिराग रहे कि कोई गलत चीज पेट में ना चली जाए खाने के साथ साथ, लेकिन रूह के लिए हम ये एहतियात नहीं करते क्योंकि हमको पता ही नहीं कि रूह के साथ हो क्या रहा है। हम ऐना देखते हैं बदन के साथ क्या हो रहा है पता होता है, रूह को देखने का ऐना पता नहीं है। रूह को देखने का आईना बना नहीं है, गलत है बना नहीं है, रूह को देखने का आईना अल्लाह है। अल्लाह के सामने फेरो, रूह की कैफियत मालूम हो जाएगी, अल्लाह को पीट करो, रूह की कैफियत मालूम ही नहीं होगी, रूही नजर नहीं आएगी। लाख बहुत रूही लगा फिदा, हमारी मुहें आप पर फिदा, क्योंकि हमारी मुहें है ही नहीं तो फिदा किस पर हो रही है। बेरू इंसान अपने आप को रूही लगा फिदा इमाम हुसैन को कहता है, मेरी रूह आप पर कुर्बान। अरे हमारी रूह कब की हम अपने कोने में डाल दी, हमने वो रबी अख्तियार ही नहीं की जो तकवा इलाही की हो, रहीमाने और अंबिया को रसूलों ने पेश किए हैं। हमारी हालत ही अजीब गरीब हो गई। तो अब जब ये इंसान मादे की खोज में निकलता है, मैं जाकर इतने हयान जो फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं उनके बारे में एक जो रिवायत है एक अल्जीरियन ऑथर ने लिखा है, उस किताब से बोल रहा हूं, अरबी की किताब है। आप कहते हैं कि इमाम जाकर सादिक अलैहिस्सलाम ने जावेद इब्ने हय्यान से ये कहा कि देखो जावेद, वही किताब
अहले सुन्नत का ऑथर है, लिख रहा है, मॉडर्न ऑथर है, आज के दौर का ऑथर लिख रहा है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जाबिर से यह कहा कि देखो जाबिर, तुम अगर इखलास रखो, तुम अगर इखलास रखो, प्यूरिटी ऑफ इंटेंट रखो, तुम्हारी नीयत को पाक रखो, तो शैतान तुम्हारे लिए वजूद नहीं रखता, तो शैतान तुम्हारे लिए वजूद नहीं रखता। इसलिए कि कुरान में अल्लाह कहता है कि तू मेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकता, और खुद शैतान से भी कहलवाता है और कुरान में कोट करता है कि मैं तेरे तमाम बंदों को बहकाऊंगा सिवाय मुखलिसीन के, सिवाय वो लोग जिसकी नीयतें साफ हो, जिसका इंटेंट साफ हो। तो तुम अगर ये कर लोगे तो तुमको फिर शैतान के वजूद से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इखलास बतलाया, जब इखलास बतलाया तो जब दिमाग और रूह इतनी पाक हो गई जाबिर की, तो एटॉमिक नंबर की थियरी उन्होंने फर्स्ट टाइम इंसानों को दी। आज भी आप इंटरनेट सर्च करके मिल जाएगा, ये कैसे होता है, ये मादे की तरफ जाकर मादे को और बेहतर तरीके से हम नहीं समझ सकते हैं। दूसरा समझदार का मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी तालीमात को तर्क कर दिया है, कहीं ना कहीं हमने अपने अल्लाह को फसे पुष्ट डाल दिया है। अच्छा, अब होगा क्या? अब जब मादी तरक्की होती रहती है, मादी तरक्कियों की रविश होती है, मादी तरक्की अल्लाह के नाम से आगे बढ़ती है, अल्लाह का नाम जैसे जाता है मादी तरक्की कम होने लगती है। मगर होता यह है, तवज्जो का मुद्दा नहीं, जवानों से बात कर रहा हूं, जो डिस्कवरीज किसी एक सिविलाइजेशन में हो जाती है, यूरोप में हो गई, अमेरिका में हो गई, तो उनकी टेक्नोलॉजी बनते बनते लगभग 100 से 200 साल लग जाए। तो जो कौमें आगे बढ़ गई हैं किसी मामले में, उसका मतलब यह नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते को छोड़ते ही हमको उनके अंदर तब्दीली आ जाएगी। वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी उनके पास फिर भी एक मुद्दत तक बाकी रह जाएगी। अगर आज हम कोशिश करते हैं तो हमको साइंस और टेक्नोलॉजी दूसरों ही से लेनी पड़ेगी, दूसरों ही से लेनी पड़ेगी। फर्क इतना रहेगा कि जिस दिन हमने यह तय कर लिया कि हम भी इसमें दौड़ में शामिल हैं, तो होगा क्या, मैं बताता हूं, होगा यह कि उनसे हमने टेक्नोलॉजी और साइंस की तालीम ली, उसको लेकर डेवलप किया, वो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, दुनिया उनके पास रंगीन से रंगीन तर होते गई, रंगीन से रंगीन तर होते गई, उन्होंने ये सब चीजों को अपने आप को क्रेडिट देना शुरू किया। जैसे जैसे अपने आप को क्रेडिट देना शुरू किया, इंसानियत के हिसाब से छोटे होते गए, जैसे इंसानियत के हिसाब से छोटे होते गए उनकी सोसाइटी कोलैप्स होना शुरू हुई, जैसे जैसे उनकी सोसाइटी कोलैप्स होने लगी उन्होंने बुराई को अच्छाई समझ के करना शुरू किया। तवज्जो का मुद्दा, उन्होंने बुराई को अच्छाई समझकर करना शुरू किया, जब बुराई को अच्छाई समझकर करने लगे तो उनकी असलें कमजोर पड़ने लगी, उनके आपसी खानदानी रवाबित टूटने लगे, वो तो जितर बितर होने की इब्तदाई आसार जाहिर होने लगे। इस जगह के ऊपर जब उनको तकब्बुर आ गया अपनी साइंस पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अब जब तुम्हारे पास एक एक चीज साइंस की अब समझ में आने लगी, उनसे लेने के बाद एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, दो कदम तुमने आगे बढ़ाया, तीन कदम तुमने आगे बढ़ाया, उन्होंने तकब्बुर किया, तुमने हदाए तकबीर बुलंद कर दी। उनको अल्लाह ने साइंस दिया तो उन्होंने तकब्बुर किया, तुमको अल्लाह साइंस देगा तो तुम तकबीर कहोगे। कब तक तकबीर और तकबुर में बराबरी रहेगी? आज हम तकबीर बोलना छोड़ दिए, भूल गए हैं, बेमकसद और बेमाना समझ बैठे हैं, जिसका यह आज नतीजा हो रहा है कि हम पीछे होते जा रहे हैं। मैं ये कोई बात कहानी के तौर पर नहीं सुना रहा हूं, आप इस्लामिक सोसाइटी को देखिए, रसूल एक ऐसी उम्मत में आए, रसूल एक ऐसी उम्मत में आए कि जहां पर अभी अभी खत स्क्रिप्ट इजाद हुई थी, रसूल के बेसत के बाद फकत 17 लोग मक्के में लिखना जानते थे। स्क्रिप्ट उसे 20-25 साल पहले डेवलप हुई थी, सीरियाई स्क्रिप्ट से अरबिक स्क्रिप्ट बनाई गई थी तारीख में मौजूद। इसलिए मक्के के लोगों को उम्मी कहा जाता है, और रसूल को भी जहां पर उम्मी कहा जाता है कि मक्के के लोगों में से थे, रसूल उम्मी कहा जाता है कुरान। तो जब रसूल ऐसी मौत में आए जिसको लिखना पढ़ना आता नहीं था, और ऐसे वक्त पर आए जब 17 लोग लिखना जानते थे, और उनके पास इतने लिखी हुई चीजों में कोई जखीरा सिवाय कुछ जाहिलियत के अशार के नहीं था। मैं बहुत तेज जा रहा हूं क्या?
तो उनके पास जाहिलियत के प्रसाद के अलावा कोई कुछ चीज नहीं थी। वहां से शुरू हुआ उनका सफर। फूल उला इलाहा पूछते हो कहो कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है, उसके बाद फला पा जाओ, कामयाब हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। फला का मतलब सक्सेस। लोगों ने सक्सेस का मतलब शायद कुछ छोटी मोटी चीज समझा हो, लेकिन हम देखते 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 हैं कि 200-300 साल के अंदर इस्लामी दुनिया में तमाम उलूम को इकट्ठा कर लिया गया। मरकज में खुला छूट दी गई तहजीब, और इस्लाम में हम कहीं पर गैलीलियो जैसा कोई शख्स नहीं देखते, कोई साइंटिस्ट को पकड़कर सजा दी गई हो। खुलकर छूट थी, पढ़ो लिखो समझो, पढ़ो लिखो समझो जानो। इल्म की बुनियाद पर तो रसूल को महबूस किया गया था। अल्लाह बिल कलम कहा जा रहा है कुरान। हमने तालीम कलम से दी तो वो नहीं लिखने वाली कौम, नहीं पढ़ने वाली कौम 200-300 साल में मरकज तालीम और तरबियत और सिविलाइजेशन बन गई। इस हद तक के बर्टन रसल जैसा एग्नोस्टिक वो आदमी के जो अल्लाह को भी कबूल नहीं करता, कहता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड द वर्ल्ड फॉर 1000 ईयर। इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक तमद्दुन 1000 साल तक दुनिया को लीड करता था हर किस्म के इल्म में। ये ऐसी चीज नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूं जो हुई ना हो। तारीख इसकी गवाह है कि जब ये रेवोल्यूशन जो रसूल ने पेश किया, जो फिक्र का तरीका रसूल ने पेश किया, तो वो फिक्र का तरीका इतना पावरफुल था कि वो सबको एब्जॉर्ब किया। हुआ क्या, रसूल ने जब ये पेश किया, अरबों की तादाद बहुत कम थी, रोम के और ईरान के लोग जो पढ़े लिखे थे वो लोग आने लगे। उनको ओपन छूट दी गई कि वो अपने उलूम को लेके आए, ट्रांसलेट करें, जिसके नतीजे में एक प्रॉपर मरकज बन गया। जब वो मरकज बन गया और बाहर के आने वाले सोचने वालों को रोका नहीं गया, तो सब लोग आगे आगे आकर अपनी फिक्र को पेश करने लगे। फिक्रें जब मिलती हैं तो फिक्रें बढ़ती हैं। मुखालिफत फिक्र को ताकत करती है, कमजोर नहीं करती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं अपने बॉडी को, कोई काउंटर वेट के साथ खींचते उठाते हैं। अगर आप वेट ही मत उठाइए तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। बॉडी को क्या इतना हल्का वेट उठाइए कि चाय की प्याली या एक अंडा, तो उससे क्या होने वाला है। आप इस हद तक का वजन उठाएंगे ना कि जो आपकी बॉडी के मुताबिक हो, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे। तो फिक्र में भी वैसी होता है, फिक्रों की जब दौलान होती है, फिक्र जब हरकत में आती है, कई अफकार आते हैं, उसमें कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ और कुछ तरीके से सही होते हैं। जब ये सब मिलते हैं, आमेजिश होती है इनकी, तो जब निकलती है जिस सोसाइटी में फिक्र की गुंजाइश नहीं रहेगी, वो सोसाइटी फलसुदा होकर मर जाएगी। अफसोस के साथ कहता हूं कि हमारी सोसाइटी वैसी हो चुकी है कि जहां पर कॉम्पिटेटिव आइडियाज को आने की गुंजाइश ही नहीं है, हर चीज को रोका जाता है। जाहिरों के गलबे की तरफ से फिक्र और इल्म को कोने में कर दिया गया है। अब जब मुसलमान ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया में कहीं पर वैक्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। तू नहीं तो कोई और। कुरान ने बार बार ये कहा है, इन खुद तुम खुद ना, अगर तुम पलट गए अपने दीन से तो हम भी पलट जाएंगे। तीन अल्फाज में इन अगर खुद तुम पढ़ ले, खुद ना हम पढ़ ले, मानी कितना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान। तुम पढ़ते हम पढ़ते, तुम अगर शुक्र नहीं कर सकते तो हमारे पास अदाब तैयार है। तुम अगर शुक्र करो सैयद से लाहू शाकिरीन, हमारे करीब शुक्र करने वालों को जजा देंगे। अब हमारा दौर आया है, दिल का उम्मत उन पर खलत रहा मां कसब वलकुम मां कसब तुम वमा तुसअलून अम्मा कानू यामलून। वो उम्मतें थी जो गुजर गई, लहा मां कसबत, उन्होंने जो कुछ कष्ट किया, हासिल किया, अक्वायर किया वो उनके लिए। लकुम मां कसब तुम जो हासिल करोगे, अक्वायर करोगे अपनी कोशिश से वो तुम्हारे लिए। वो जो गुज़िश्ताओं ने किया था उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। क्लीन स्लेट देता हूं, काम करो।
क्लीन स्लेट देता हूं, काम करो, तुमको गुज़िश्ता से सवाल नहीं करूंगा, तुम क्या करे पूछूंगा। और हर उम्मत का एक अपनी खुद किताब होगी, फर्द की किताब भी होती है, उम्मत की किताब भी होती है। ऐसा नहीं है खाली फर्द की किताब होगी, उम्मत की किताब भी होगी, कुरान की कई आयतें। तो होते होते जब हम चार मजालिस पहले ये बात शुरू किए थे तो बात अब यहां तक आ गई कि अब हम महसूस कर रहे हैं कि हल्के हल्के वो चीज जो हम मामूली सी चीज समझे हैं, मैं जवानों से मुखातब हूं कि ईमान ला लेना, रसूल पर ईमान ला लेना, इमामत को मान लेना, ये सब शायद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी जिंदगी से मजबूत हैं, बहुत सी चीजें हमको करनी है, इसमें से कुछ चीजें खास दिनों में हम ये भी कर लेंगे ताकि हमारे लिए ये ना रहे कि हम मजहबी नहीं है। ऐसा मतलब कि जो हमारे लिए एक छोटी सी मोहलत को कवर करने वाला एक मशगला बन गया। हुआ क्या, हमारे रसूल के लिए दीन 24/7 बाई 365, आइमा के लिए 24/7 बाई 365, ऐसा ही पूरे दिनों का लगाओ या हफ्तों का लगाओ, जो भी हिसाब लगाओ, ठीक है, या 365 यू कर देता हूं 24/7 बाई 52, ठीक है, गलती क्या था मेरे को कहने सर दीजिए बहुत बारे गलती करता हूं, कौन से कम से कम इस तरीके की सारी सीधी गलती, ठीक है। तो हमारे लिए पार्ट टाइम, उनके लिए फुल टाइम, और हम और वो साथ साथ चलेंगे, वो फुल टाइम होगा किस स्पीड से गए होंगे, अगर हम पार्ट टाइम उनके पीछे पीछे जाने लगे तो क्या होगा। तो पता चला इतनी दूर हो गए कि अब हम रसूल और अली के ताल्लुक से जो चाहे कह सकते हैं, जो चीज नजर नहीं आती उसके बारे में आप कुछ भी कहिए। तो अपने अपने तरीकों से उनके उनके किरदार को बनाया गया, अपने अपने तरीके से उनके किरदार को बनाया गया, संवारा गया। भूल जाना तो नुकसान है, याद ऐसे रखो कि भूल भी ना जाए और याद भी रह जाए। ऐसे याद रखो कि भूल भी ना जाए और याद भी रह जाए, एक कोई किस्से पारीना की तरह, एक गुज़िश्ता के गुजरे हुए जमाने की कोई छोटी मोटी चीज की तरह कि कभी दिमाग में आ जाती है कि 25 साल पहले ऐसा हुआ था, 50 साल पहले वैसा हुआ था। ऐसा दीन कुरान कह रहा है वो मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियबूदून, हमने तुम्हें खल्क़ किया हमारी इबादत के लिए, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी रूह हमारी इबादत के लिए खल्क़ की गई। हम ये कह रहे हैं कि ये पार्ट टाइम फंक्शन बयान कर रहा है अल्लाह ने, ये फुल टाइम काम नहीं है। फुल टाइम तो यह है जब हम दुनिया में डूब जाएंगे, अल्लाह का नाम वहीं पे लेंगे कि जब हमारा पैर फंस जाएगा, और अगर पैर नहीं फंसा तब भी हमको अल्लाह की याद करना शौक है, जरूरत नहीं है। रसूल के लिए जरूरत, अली के लिए जरूरत, फातिमा के लिए जरूरत, आइमा के लिए जरूरत, और हमारे लिए अगर जरूरत नहीं तो फिर क्या चीज ने हमको अल्लाह से गाफिल कर दिया। ऐ इंसान मागर रहा, तेरे क्या चीज ने मगरूर कर छोड़ दिया है। अन रब्बे कल करीब, तुम्हारे अपने करीम रब से जो तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब है, जो अपनी रूह तुमको दिया है, अपनी इज्जत तुमको बख्शी है, करम ना बनी आदम, ये सब लेने के बाद वापस नहीं देना, ये जुल्म अजीम है या नहीं है, ये हमको आपको अपने तय तय कर लेना है। ये हमको जवानों से बात, हाँ, ये हमको आपको तय कर लेना है, हमको लोगों के लिए नुमाइंदा बनना है। कदालिक जालना को उम्मतों वसता, हमने तुम्हें दरमियानी कौम बनाया, जो मादे में भी उतने ही गिरे हुए हो जितने रूह में, लेकिन मादे को ताबे रूह रखते हो, मादे को रूह से कंट्रोल करते हो और मादी नकाय निकालते हो, और तुम हुज्जत बनो दूसरों के लिए, गवाह बनो दूसरों के लिए, और रसूल तुम पर गवाह बनेंगे। तो ये बात तय हो गई कि हमको अगर दीन से सीखना है, और ये दीन बहुत ही आसान दीन है, बहुत ही आसान दीन है, वो दीन है कि जो हमारी बॉडी और माइंड के और रूह के मुताबिक है। सिरात मुस्तकीम, कल की मैंने मजलिस में कहा था सिरात मुस्तकीम को कुरान में सिरातुल्लाह भी कहा गया है,
अल्लाह का रास्ता। अच्छा कभी अपने बंदों पर के जो रहमान और रहीम है खुदा तकलीफ देगा? लेकिन हमने अपने लिए जो स्टैंडर्ड जवानों से अपने लिए जो स्टैंडर्ड रखा है वो इतने लो रखे हैं कि हमारी इस्तेदात और कैपेसिटी को हमने जज नहीं किया कि हमारी कैपेसिटी है क्या। जब हम अपने कैपेसिटी को जज नहीं कर सके तो उस कम कैपेसिटी की बुनियाद पर हमने अपना रोल लिखा, और जब हमने अपना रोल लिखा तो वो रोल रसूल और आले रसूल के लिखे हुए रोल की तरह नहीं था। तो हमने अपना रोल बिल्कुल हमारी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं लिखा, अल्लाह ने हमारी कैपेसिटी को जान के अपना रोल लिखा। अल्लाह ने हमारी कैपेसिटी को जान के हमारा रोल लिखा है। मा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने खल्क ही नहीं किया जिन और इंस के मगर ये कि मेरी इबादत करें। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के पास हमारे लिए पूरा प्रोग्राम है। अगर हम अपने तरीके से, अगर कोई जिम जाने वाला हो, मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जाता, लेकिन जो जाता है आए और शुरू कर दे, जिस तरीके से भी वेट उठाना है उठाए, बहुत सी मशीनें नजर आई, खून पड़े, ये कर लिया वो कर लिया, घर को आने के बाद क्या हो जाएगा दिन में, मालूम हुआ उठने को बिल्कुल मुश्किल हो रही है, सहारा ले लेकर उठ रहे हैं, हर जगह पर तकलीफ, क्या हो गया? तो बोले क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? तो बोले क्या नहीं हुआ, ये तो बदन का मामला था, रूह का क्या होगा? वो कयामत में मालूम होगा, कयामत में मालूम होगा कि रूह की क्या हालत हुई है। अगर रूह का आईना दुनिया में नजर आ जाता तो हम जुर्अत न करते रसूल और आले रसूल कुरान के एक हर्फ की मुखालफत करते। जिस तरीके से बकरे को जिहा करने के वक्त खींच कर ले जाया जाता, अगर हमसे कहा जाता गुनाह करो तो हमको उतना ही खींच के ले जाना पड़ता। हम खुद से तो खुद दूसरों के तरफ से भी गुनाह करने को आमादा नहीं होते, क्योंकि गुनाह करना अपने मकसद के खिलाफ जंग करना है, अपने मकसद के खिलाफ जंग करना है, अपनी इंसानियत के खिलाफ जंग करना है, अपने रसूल और अल्लाह के और आइमा के तालीमात के खिलाफ जंग करना है। तो हम करेंगे या नहीं करेंगे? पता चला बोलेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आदत करनी पड़ती है नहीं करने की। ये चीज आसान है अगर आदत कर ली जाए, मैं ये बार बार कह रहा हूं, आदत कर लीजिए, आदत कर लीजिए। फिर जिम की मिसाल देता हूं जवानों के लिए, आप शुरू जाते हैं 10 किलो उठाते हैं तो तकलीफ होती है, आदत कर लेते हैं तो आगे आगे आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप वेट हैंडल कर सकते हैं। शुरू में 10 किलो भी आपको मुश्किल लगता है, ये भी वैसे रूह के रास्ते भी वैसी है। मैं मिसाल मादी इसलिए दे रहा हूं कि मादी मिसाल से जहन को खरीद किया जा सकता है। तशबीह माकूल पे महसूस करते हैं, कहते हैं माकूल को, अकल में आने वाली चीज को कोई महसूस चीज से तशबीह दी जाए, जैसे कि मिसाल दी जाए, तमसील दी जाए, अलग 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 बताया जाए। कुरान कह रहा है हमने तुम्हें लिबास दिया जो तुम्हें मौसम से महफूज रखता है और तुम्हारी जीनत का सबब बनता है, तुम्हें गर्मी से सर्दी से महफूज रखता है और तुम्हारे लिए जीनत का, खूबसूरती का सबब बनता है। वो लिबास तकवा जारी करता है, और लिबास से तकवा वो सबसे बेहतरीन लिबास है। तो हमारे लिबास को बताता है, लिबास की अहमियत बताता है कि एक खूबसूरत दिखने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए है, दूसरे ये उनको गर्मी और सर्दी से बचाता है। और लेकिन याद रखना एक ऐसा लिबास भी है जो सबसे अच्छा लिबास है, वो रूह का लिबास है। अगर रूह को तकवे का लिबास मिल जाए, अगर रूह को तकवे का लिबास मिल जाए तो तुमने अपने आप को समझो आजाद कर लिया शैतान के जंगल से। और अगर रूह को तकवे का लिबास नसीब नहीं हुआ तो 100% चांस यही है कि इंसान पूरे का पूरा करबला के दिन, करबला के मैदान जैसी कैफियत में दुश्मन वाले हुसैन की तरफ होगा, हुसैन की तरफ नहीं होगा। कहा जाता है कुल्लो यौमिन आशूरा कुल्लो दिन करबला, हर दिन आशूरा है, हर जमीन करबला है। इसलिए हक और बातिल की लड़ाई दुनिया तमाम में हर वक्त चलती रहती है, हक और बातिल की लड़ाई दुनिया तमाम में हर वक्त चलती रहती है। हमारा गुमान है कि हम एक ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं कि जहां पे हक और बातिल की लड़ाई नहीं हो रही, या हक
हक व बातिल की लड़ाई में हमेशा शमशीर बहाना होना ही जरूरी है। ऐसा नहीं है, हक व बातिल की लड़ाई में अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, हम अगर अपने आप को सही तरीके से कर सकें, अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बना सकें, हमारे बच्चों की तालीम आला तरीन सतह पर दे सकें, आज तो एक्सेस बहुत आसान हो गया इंटरनेट की तरफ से, पूरी मेहनत की जा सकती है। और अगर ये मेहनत सही तरीके से एक जनरेशन के लिए की जाए तो जमीन आसमान का डिफरेंस मजबूत होगा। एक मरतबा हम ईमान के रास्ते पर आ जाएं, ईमान का रास्ता कुफर के रास्ते के मुकाबले में, जैसे कुरान कहता है कि शैतान का तरीका हथकंडा बहुत ज़हीफ होता है, शैतान का हथकंडा स्ट्रैटेजी बहुत ही कमजोर होती है, प्रोवाइडेड इस शर्त पर कि हम अल्लाह के पूरी तरीके से रह जाएं। इकबाल अपने एक फारसी शेर में कहते हैं कि शैतान अल्लाह के सामने खड़े होकर कहता है, बंदे सोएब नजर मोयत मोरा या खलीफे पोख्तेदर मोयत मोरा, मालिक के इंसानों को जो तुमने मुझे बहकाने के लिए हवाले किया है ये मेरे वास्ते कोई चीज ही नहीं रहे, ये मेरे वास्ते कोई चीज ही नहीं रहे, एक पोख्ता कर कोई चीज बना के दे जिसके लग को मैं बहका कर कुछ कह दूंगे बहका दिया, इनको तो बोलने से पहले बहक जा रहे। कुरान कहता है शयातीन अरे शैतान के नजर में ना, ये फकत जिन वाले शयातीन होते हैं, क्योंकि कुरान कहता है वकान मिन जिन, शैतान जिनों में से था। और एक जगह कुरान ये भी कहता है कि शयातीन होते हैं जिन और इंस में, इंसानों में भी, तो पता चला कि उसका कबीला इंसानों में भी मौजूद है। तो जब उनकी बात सुनाई देती है तो फिर पैगंबरों की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि पैगंबरों की बात ये लेवल पे सुनाई देती है, शैतान की बात ये लेवल पे सुनाई देती है। बस्तियों में रह के पैगंबरों की और अइमा की बात सुनेंगे ये पॉसिबल नहीं है। करबला में आए नहीं, जो बस्तियों में थे उन्हें हुसैन की लबाई की सदा, उन्हें किसी तरीके से लब्बै कहने के लिए मौका ही नहीं मिला। अलमिन नासिरिन यनसुरनी अलमिन मुगीसिन यगीसुनी, जब इमाम ने कहा कि कोई मुगीस है, कोई मददगार है, कोई नासिर है कोई, तो हमारे पास हम देखते हैं कि उसी मैदान में कि जहां पर कूफे के हजारों लोग जमा हो गए थे और जो जानते थे कि हुसैन कौन है, उनमें से बहुत ही कम निकल आए। इसलिए जो निकल आए उनकी अहमियत ज्यादा है, उनकी अहमियत बहुत है। जो कम थे लेकिन वो थे कि जो इस्लामी मकतब में पूरी तरीके से अपने आप को साबित कर चुके थे। हमने जिक्र कर दो तीन मजालिस में किया है, आज मखसूस दिन है जहां पे ओनो मोहम्मद का तस्करा किया जाता है, जब असहाब तमाम के तमाम शहीद हो गए, हबीब इब्ने मजाहिर चले गए, मुस्लिम इब्ने औसाजा चले गए, उससे पहले चले गए, ज़ुहैर उसने फैन उसके बाद चले गए, इस तरीके से एक के बाद एक जब असहाब की शहादत होती गई और जो जो वाकयात पेश आते गए, एक वक्त ऐसा आया कि फकत हाशमी ही रह चुके, बनी हाशिम के लोग रह चुके थे। हमको तारीखों में यह मिलता है, साबितशुदा तारीखों में, कि सबसे पहले इजाजत जो दी गई है वो अली अकबर अली सलाम, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को इजाजत दी जा रही है, कम से लोगों को इजाजत दी जा रही है, ओनो मोहम्मद को इजाजत दी जा रही है, ओनो मोहम्मद के बाद कासिम को इजाजत दी जा रही है, आखिर में अब्बास को, जब लश्करी ने कहा तब अब्बास को इजाजत, ओनो मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार के बेटे, जनाबे ज़ैनब के बेटे, अब्दुल्ला ने जब इमाम हुसैन ने खत कर लिया मक्के से कूफे के सफर पर, तो आपने खत लिखा इमाम को कि आप मक्का छोड़कर कूफा न जाएं, मैं वाली मदीना से खत अमान का आपके नाम पर लिखवा देता हूं। यह खत आया, उसके कुछ मुद्दत बाद
अमान नामे का खत लेकर अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचे। मक्के से जब वो निकल चुके थे, कूफे की तरफ जा रहे थे, तब वहां पर मुलाकात हुई। इमाम ने यह कहा कि मैंने अपने जद को ख्वाब में देखा है और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये सफर को इदामा दूं, इस सफर को कंटिन्यू करूं, मैं इससे मुंसरिफ होने वाला नहीं हूं। ये बात कही और इस बात को सुनने के बाद अब्दुल्लाह ने अपने दो बेटे इमाम हुसैन के साथ उनकी हिफाजत के लिए दे दिए और खुद मदीने को लौट गए, क्योंकि मदीने के हालात भी ऐसे थे कि वहां पर इमाम हुसैन का कोई ऐसा मुअस्सब आदमी रहना जरूरी था कि जो मदीने के हालात पर नजर रखे। ये काफिला चला, नतीजा यहां तक आया कि हाशिमीन के अलावा कोई और नहीं था। दोनों साहिबजादों को इज़्ने जिहाद मिलता है। हम देखते हैं कि पहले औम जाते हैं, औम जाने के बाद हम देखते हैं कि तीन सवारों को और 18 प्यादों को वासले जहन्नम करने के बाद औम की शहादत हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद जाते हैं, 10 को वासले जहन्नम करते हैं, उसके बाद उनकी शहादत हो जाती है। अब्दुल्ला को यह इत्तला मिलती है बाद में कि हुसैन शहीद कर दिए गए। उनका गुलाम जो उनके बाजू खड़ा होता है वो ये कुछ कहता है कि इमाम हुसैन की तरफ से हमारे पर ये बला आई। अब्दुल्ला अपना जूता उठाकर उसकी तरफ मार के कहते हैं कि ये तो मेरी बदनसीबी थी कि मैं साथ नहीं रहा, ये तो मेरी बदनसीबी थी कि मैं साथ नहीं रहा, मेरे दो बच्चे शहीद हो गए, मैं सुरखरू हो गया। लेकिन है अब्दुल्ला, आपने तो ये बात बहुत दिनों बाद सुन ली, ज़ैनब को क्या हुआ, ज़ैनब पर क्या गुजरी जब ये दो शहजादे शहीद हुए। ज़ैनब को यकीनन बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उससे पहले ज़ैनब ने अली अकबर को शहीद होते हुए देख लिया था, मैदान में आ चुकी थी। ये दोनों की शहादत के बाद अब इंतजार करना बस क्या होगा, हुसैन का क्या होगा। सब्र किया, सब्र करती रही और अपनी जिंदगी को, अपने मकसद को, ईमान की खिदमत और ईमान के बाद ईमान के पैगाम की खिदमत से अर्ज कर दिया। आप लोगों पर जो शहीद हुए ईमान पर, आप लोगों पर हमारा सबका सलाम और ए बीबी ऐसे बच्चों को तरबियत करने पर आप पर सलाम। खुदा हमको इनके साथ मशहूर करे और हक के रास्ते पर बढ़ने की हिम्मत और हौसला हमको अता करे। वसयामुल्लज़ीना ज़लमू व यौमुल ख़लबिन यनख़लिबून।